Müssen aber zwei. ये चर्चा समाप्ति पर है, मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। मेरे सहयोगी मित्र श्री जसवंत सिंह, श्री प्रमोद महाजन और सुश्री उमा भारती हमारे दृष्टिकोण को प्रभावशाली ढंग से सदन के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि घड़ी की सुई पूरा घूम गई है, हम जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। 10 महीने के भीतर यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई, इस पर गहराई से विचार होना चाहिए। राजनीतिक दांव पेच अपनी जगह हैं, लेकिन लोकतंत्र का खेल किस स्तर पर खेला जाएगा, किस मर्यादा के भीतर चलेगा, इस पर थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इस समय जो टकराहट हो रही है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा कोई योगदान नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि अभी तक किसी ने यह आरोप क्यों नहीं लगाया कि हमारी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। इस बात का तो श्रेय लेने का प्रयास किया गया है कि हमें हमसे लड़ने के लिए दोनों इकट्ठे हो गए। तो अगर हमसे लड़ने के लिए दोनों इकट्ठे हुए थे तो अब आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अभी गृह मंत्री ने जो प्रश्न पूछा वो बड़ा सटीक प्रश्न था और मैं आशा करता था कि इस चर्चा में नरसिंह राव जी भाषण करेंगे, श्री शरद पवार अपना मुंह खोलेंगे, अंतुले अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, लेकिन सब मौन धारण करके बैठे। उनका मौन उनकी वाणी से भी अधिक मुखर है। मैं उन सारे वक्तव्यों में नहीं जाना चाहता जो पहले जब विश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ था तो शरद पवार जी ने क्या कहा था, नरसिंह राव जी ने किन शब्दों में आश्वासन दिलाया था कि कुछ भी हो जाए हम समर्थन वापस नहीं लेंगे, ये समझौता टूटेगा नहीं। लेकिन समझौता टूट गया, समर्थन दिया गया और वापस लिया गया। अभी यह प्रश्न उठाया गया था कि ऐसा क्यों किया गया, इसके अलग अलग स्पष्टीकरण मिल रहे हैं। अच्छा होता कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत तौर पर कोई बात कहता और सदन के सामने, देश के सामने सारे तथ्य आते। एक प्रश्न और भी है कि 30 मार्च की तिथि क्यों चुनी गई, क्या 29 मार्च तक सब ठीक था और 30 को बिगड़ गया? हमारे कांग्रेस के मित्र कहेंगे कि नहीं, भूमिका तो हम पहले से बना रहे थे, हमने 2 प्रस्ताव पास किए थे, 4 तारीख का प्रस्ताव, 16 तारीख का प्रस्ताव, लेकिन उसके बाद आपने समर्थन वापस लेने का फैसला किया 30 तारीख को, क्यों? कांग्रेस के नेताओं को पता न हो कि उस समय देश में किस तरह के सम्मेलन आयोजित हो रहे थे, किस तरह की महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही थी। अगर समय अधिक न मांगा जाता तो शायद इस प्रस्ताव पर हमें 7 तारीख को चर्चा करना पड़ती, पहले 7 तारीख तय हुई थी और उस दिन अगर चर्चा होती तो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री या तो सम्मेलन में होते या सम्मेलन स्थगित करना पड़ता। सत्ता पक्ष, कांग्रेस पक्ष के साथ विदेश मामलों के बहुत से जानकार हैं, ये छोटी सी बात ध्यान में क्यों नहीं आई? या 30 तारीख के पीछे कोई और रहस्य है?
उस रहस्य का उद्घाटन होना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी मौन है तो हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, थोड़ा तो अंधेरा कम करिए, ये 30 तारीख क्यों चुनी है? मुझे ये सुनकर भी ताज्जुब हुआ और मैं यूनाइटेड फ्रंट के अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि 2 चिट्ठियां आपको मिली और आपने उन 2 चिट्ठियों के बाद कांग्रेस पार्टी से कोई वार्ता नहीं की, कोई चर्चा नहीं की, ये अच्छा नहीं हुआ। जिस दल के समर्थन पर आपकी सरकार का अस्तित्व है उस दल को अगर शिकायतें होती हैं तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सचमुच में तो कांग्रेस पार्टी को, और आपको याद होगा जिस दिन मैंने विश्वास का प्रस्ताव पेश किया था, मैंने कहा था कि कम से कम फ्लोर कोऑर्डिनेशन के लिए तो आपस में बात करना पड़ती है। सचमुच में कांग्रेस तो स्टीयरिंग कमेटी में होना चाहिए थी। आज जो प्रस्ताव दिया जा रहा है कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनेगी, उसमें कांग्रेस वाले आ सकते हैं और चाहे तो कांग्रेस के नेता कोई उसके अध्यक्ष हो सकते हैं, सचमुच में इस प्रस्ताव पर पहले विचार होना चाहिए था, संकट पैदा होने के बाद नहीं। लेकिन मैं जानता हूं इसके मूल में एक कारण था और वो कारण था गैर कांग्रेसवाद। कांग्रेस के समर्थन के बिना सरकार चलाना असंभव है, इसलिए समर्थन ले लो मगर कांग्रेस के साथ सहयोग किया जा रहा है ये दिखाओ मत, ये दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम कांग्रेस से लड़के आए, हम जीवन भर कांग्रेस से लड़ते रहे, हम कांग्रेसवाद में विश्वास करते हैं और इसलिए जरा दूर रखो, लाभ उठाओ मगर उनका सहयोग मत लो। ये जो मूल भावना है इसने सहयोग को सफल नहीं होने दिया, इसने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि आज कांग्रेस समर्थन वापस ले रही है और यूनाइटेड फ्रंट की सरकार का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे डर है कि जो गैर कांग्रेसवाद की तरह से एक गैर भाजपावाद ये भी अपना स्थान बनाने का प्रयास कर रहा है। चुनाव के बाद जो जनादेश आया उसमें किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, ये ठीक है, मगर ये भी जनादेश नहीं था कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसकी उपेक्षा कर दो। नंबर 2 कांग्रेस थी 144 मेंबरों की, उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? अगर गठबंधन होना है, अगर संयुक्त सरकार चलनी है तो उसका क्या स्थान होना चाहिए? सामाजिक क्षेत्र से अस्पृश्यता खत्म हो रही है, राजनीतिक क्षेत्र में अस्पृश्यता को जन्म दिया जा रहा है। जो जनता का जनादेश था उसका अर्थ ठीक नहीं निकाला गया। यह देश सेक्युलरवादी है, यह देश सेक्युलरवादी था, ये देश सेक्युलरवादी रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। और क्या सेक्युलरवाद इतना दुर्बल है कि वो जरा सी बात में खतरे में पड़ जाता है? और क्या सेक्युलरवाद अगर बचेगा तो इस राजनीतिक जोड़ तोड़ से बचेगा? भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई शक्ति, उसका बढ़ता हुआ प्रभाव, आप जरा आत्मचिंतन करें, ये कोई सेक्युलरवाद के दुर्बल होने का प्रतीक नहीं है, परिचायक नहीं है। उसके और कारण है जिनमें मैं इस समय विस्तार से जाना नहीं चाहता। लेकिन आप चुनाव हार रहे हैं, कांग्रेस की संख्या आधी रह गई। यद्य 5 साल का कांग्रेस का क्रियाकलाप इतना निकृष्ट नहीं था कि उसको मतदाता इतनी सजा देते, लेकिन भ्रष्टाचार का एक मुद्दा निर्णायक साबित हुआ, संख्या आधी रह गई। अब दोष हमें दिया जा रहा, लोगों ने आपको वोट नहीं दिए तो आप कह रहे हैं कि सेक्युलरवाद खतरे में पड़ रहा है। यूनाइटेड फ्रंट आपकी क्या मदद करता पंजाब में? यूनाइटेड फ्रंट तो एक ऐसा मोर्चा है जो पूरा आपका समर्थन करना तो अलग रहा, वो अपने स्वयं के कैंडिडेट खड़े करने के बारे में आपस में समझौता नहीं कर सकते, एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। जहां यूनाइटेड फ्रंट है ही नहीं वहां कांग्रेस की मदद कैसे करेगा? कांग्रेस के मित्र भी जरा आत्म मंथन करके देखें क्यों प्रभाव घट रहा है। उसके लिए दूसरे को दोष देने से काम नहीं चलेगा।
हम चुनाव नहीं चाहते, लेकिन चुनाव के अलावा आप कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मतदाता भी चुनाव नहीं चाहता, लेकिन लोकतंत्र में अंत में जाकर किसका दरवाजा खटखटाया जाए? अगर राजनेता विफल हो जाए, अगर राजनीतिक दल अपनी सीमाओं को और अपनी मर्यादाओं को न समझे, और अगर सिद्धांत के ऊपर सत्ता का संघर्ष हावी हो जाए। कहा गया कि ये सम्मान की लड़ाई है, सम्मान नहीं, मिथ्याभिमान की लड़ाई है। सत्ता का संघर्ष है, खुला संघर्ष। आप कहेंगे कि सत्ता के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, मैं मानता हूं। हमारे कांग्रेस के मित्रों के लिए सत्ता से बाहर रहना ये बहुत कठिन काम है, बहुत। हमारी छोड़ दीजिए, हम तो 40 साल से यही धंधा करते रहे हैं, मगर हमारे कांग्रेस के मित्रों की आदतें बिगड़ी हुई है, सत्ता के बिना नहीं रह सकते। आपने उन्हें शामिल नहीं किया शासन के स्तर पर, और आपने उन्हें शामिल नहीं किया निर्णय लेने की संस्था के स्तर पर भी उनका उपयोग किया, और उनकी शिकायतें इकट्ठी होती रही। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा कि जब यूनाइटेड फ्रंट ने मायावती को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया था, उस दिन अगर आप इस्तीफा या समर्थन वापस ले लेते तो आपको एक मुद्दा मिल सकता था, जिस मुद्दे को लोग पहचानते और जिसके लिए आपको साधुवाद देते। मगर उस दिन आपके अध्यक्ष गए थे, उस जो प्रस्ताव है उसमें बड़ा उसका वर्णन है कि अध्यक्ष गए, उन्होंने कहा दलित कन्या को आप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, मगर वापस लौट आए और चुप बैठ गए। उस समय समर्थन वापस नहीं लिया गया। मैं फिर आता हूं, 30 तारीख में क्या खास बात थी? क्या किसी ज्योतिषी से सलाह ली गई थी? क्या शुभ मुहूर्त निकाला गया था? 30 के बाद नहीं, 30। मैं अभी तक इस पर मैं इसको समझ, मेरे गले के नीचे उतरती नहीं बात। आप रुक सकते थे, बजट अधिवेशन सारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती सी जा रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ। आदरणीय नरसिंह राव जी यहां बैठे हैं, मैं अगर एक घटना का उल्लेख करूं तो मैं समझता हूं कि वो उसको गलत नहीं समझेंगे। हम लोग कहीं दोपहर के भोजन पर थे, तो उस भोजन में, उस सरकारी भोजन था, उस भोजन में स्वीट डिश के रूप में तरबूज दिया गया था खाने के लिए, और तरबूज फीका था। तो इसकी किसी ने शिकायत की, नरसिंह राव जी के पास बैठने वाले किसी मित्र ने शिकायत की कि ये तरबूज क्यों दिया गया, ये फीका है, ये बेमौसम का है। तो अगर मेरे सुनने में गलती नहीं हुई है तो नरसिंह राव जी ने कहा कि अगर बजट अधिवेशन में समर्थन वापस का प्रस्ताव आ सकता है तो हर मौसम में तरबूज क्यों नहीं आ सकता। बेमौसम का जो निर्णय है, इसके पीछे कहानी क्या है, इसके पीछे रहस्य क्या है? क्या वर्तमान घटना चक्र से हम कुछ सीखने के लिए तैयार? ठीक है, जनता के पास जाएंगे, जनता निर्णय करेगी, लेकिन इस देश में मिलकर काम करने के गुण को विकसित करने की आवश्यकता है। एक पार्टी के भीतर भी संघर्ष होते हैं, लेकिन संघर्ष सीमा में होना चाहिए। ये टूटना और जुड़ना और फिर इकट्ठे होना और फिर अलग अलग रास्ते पर चला जाना, इसकी कोई सीमा होना चाहिए। और देशों में अगर मिली जुली सरकारें सफल हो सकती है, यहां क्यों नहीं हो सकती?
हम भी अपने ढंग से प्रदेशों में मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन उसके लिए विश्वास परम आवश्यक है, एक दूसरे के प्रति विश्वास, पारदर्शी विश्वास। अब अगर कांग्रेस को यह डर लग रहा था कि देवेगौड़ा जी कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, तो फिर तो उन्हें आत्मरक्षा में जो कदम उठाया वो उठाना जरूरी था। लेकिन मैं नहीं सोचता कि देवेगौड़ा जी तोड़ना चाहते, और अगर तोड़ना चाहते थे तो आप क्या अपने को टूटने देते, या आपके कुछ लोग टूटने को तैयार बैठे थे? मेरे पास इसका उत्तर नहीं, लेकिन विश्वास के वातावरण में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन चुनाव के बाद जो जनादेश था उसका गलत अर्थ निकालने के बहुत से दुष्परिणाम हुए, उसका सही अर्थ निकालने की आवश्यकता है। वो कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश नहीं था, वो किसी पार्टी के हक में जनादेश नहीं था, बहुमत नहीं था, ये बात सच है। लेकिन जो अर्थ निकाले गए उससे अनर्थ हुआ है, और 10 महीने बाद देश फिर आम चुनाव के रास्ते पर खड़ा हुआ है। हमें आशा करनी चाहिए कि चुनाव के बाद स्थायी सरकार आएगी, हमें आशा करनी चाहिए कि चुनाव के बाद देश सही रास्ते पर चलेगा। लेकिन इस प्रयोग का एक लाभ हुआ है, क्षेत्रीय दलों ने पहली बार दिल्ली में आकर एक भूमिका निभाई है, रचनात्मक भूमिका निभाई है। वो अभी तक क्षेत्र तक सीमित थे, वो आए हैं, जीत कर आए। उनका अखिल भारतीय दृष्टिकोण हुआ है, उनके सामने देश की तस्वीर आई है। हमें भी उनके साथ संपर्क बढ़ाने का मौका मिला है, ये एक शुभ संकेत है, ये एक अच्छी घटना है। और इसलिए देश की राजनीति में सब दल, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे क्षेत्रीय हो, यदि कार्यक्रम में एकता है, और आप मानते हैं कि सिद्धांतों में एकता तो नहीं है आपके बीच में, लेकिन कार्यक्रम की एकता है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। प्रधानमंत्री ने सवेरे बहुत सी उपलब्धियां गिनाई, अब अगर मिनिमम प्रोग्राम को देखें तो उसमें 3 महीने के भीतर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, 6 महीने के भीतर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और सबको गिनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कार्यक्रम के आधार पर अगर दल इकट्ठे होते हैं तो उनकी सफलता के लिए विश्वास का वातावरण बहुत आवश्यक है। इस विश्वास के अभाव के कारण ये संकट पैदा हुआ है, हम इससे शिक्षा लें, इससे पाठ पढ़ें, और भविष्य में इस तरह का प्रयोग करते समय इस तरह की भूलें न की जाएं। कम से कम इतना तो आज की घटना से सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज मिस्टर नो 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 प्लीज।